आप उनकी कलाकारी देख सकते हैं, जो लाइव तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिल्म स्टार हैं ये, अमिताभ बच्चन है, अजय देवगन है, उनका एक कार्टून कैरेक्टर है। तो वैसे कितने लोग आ जाते हैं ये स्केच बनवाने के लिए? लगभग आ जाते हैं 5-7 आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं, बोनी बट्टा हो जाता है, अपना काम चलता है ठीक ठाक। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी हम इसी रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने देखा यहाँ पर दिल्ली के एक कलाकार मौजूद हैं, आप उनकी कलाकारी देख सकते हैं, जो लाइव तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कला यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आज हम इन व्यक्ति से जिन्होंने इन्हें बनाया है उनसे आपको मिलवाते हैं, और उनके अंदर ये उमंग कब से जागी ये सब बातें हम आपको उनके साथ बताएंगे। आपका क्या नाम है? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी, तो आप कितने समय से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं? मैं आई थिंक हो गया 15-16 साल हो गए होंगे। 15-16 साल हो गए? हाँ। तो ये जो कलाकारी हम देख पा रहे हैं इतनी खूबसूरत है, इतनी नायाब है, तो ये उमंग आप में कब जागी ये सब चीज़ें बनाने के लिए? ये बचपन से शौक है जी। अच्छा। हाँ, पहले एज अ हॉबी शौक में करते थे, तो फिर बाद में गुरु उस्ताद मिले, जब उन्होंने कुछ सिखाया तो पता चला कि हाँ अभी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा। तो आप जैसे यहाँ पर ये ऐसे आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे बनाते हैं, तो आपने कुछ सोचा नहीं कि मतलब कुछ अच्छे लेवल पर किया जाए इसके बारे में? ये एक वक्त होता है जी, एक स्टेज होती है, मेरे ख्याल से कभी ना कभी मैं वहाँ तक पहुँच ही जाऊँगा, तो ये है। तो आपने अभी तक कितने खूबसूरत नायाब बनाए वो थोड़ा सा हमें दिखाएंगे आप दर्शकों को? काफ़ी सारे ये हैं, अगर आप देखना चाहें, ये प्रिंट है। अच्छा, प्रिंट भी बनाते हैं? हाँ, ये प्रिंट है। हाँ हाँ हाँ। और इसे देख के मैंने ये किया है। स्केच बनाया? हाँ। और ये मेरा खुद का है। अच्छा, ये 2014 तो में किया। ये आपका स्केच है? हाँ जी, एक ये हाल ही में किया, कुछ टाइम पहले ही जी। अच्छा, आपने ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी की तस्वीर आपने बनाई है जो कि बहुत सुंदर दिख रही है, काफ़ी खूबसूरत है। अगर वो उन तक पहुंच पाती तो वो आपके तारीफ़ बहुत ही तारीफ़ करते हैं ऐसा हमें लगता है। तो आप ये बताइए ना कि मतलब क्या कारण रहा कि आपने इनको तस्वीर में उकेरा है? बस ऐसे ही अच्छा लगा, मैंने कहा चलो बना देते हैं सीएम है वैसे भी। कुछ खास बात ऐसी जो आपने बनाया? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं, बस मैं सेलिब्रिटी है तो मैंने करके बना दिया, अच्छा लगा मुझे। पूछिए। तो आपने ये आगे देख पा रहे हैं हम, ये कौन है? देवगन, और अजय देवगन जी हैं। ये कार्टून कैरेक्टर है। हाँ। उनका जो फिल्म स्टार हैं ये अमिताभ बच्चन है, अजय देवगन है, उनका एक कार्टून कैरेक्टर है, तो मैंने किया है थोड़ा सा। और ये क्या है ये साथ में? ये कृष्ण भगवान है। हाँ जी, हाँ जी, बाल रूप बनाया आपने। अच्छा, इसका मीनिंग एक मिनट, ये हाँ 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 भी हैं, जैसे ये है एक इमेजिन है। अच्छा। और ये एक हमारे महाराज जी हैं जूना अखाड़ा वहाँ पे नवेड़ा में। इसके नीचे कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, जरा वो दिखाइए जरा एक बार पंक्तियाँ। इनका क्या अर्थ है वैसे? बस अर्थ कुछ नहीं है, संत आदमी हैं, अपने धुने में और रमे रहते हैं बस धुने पानी में, तो उन्हें कुछ चाहिए नहीं, बस रोटी पानी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने धुआं ही चलता है वहाँ तो। अच्छा, तो वैसे आपकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन सी है पेशी जो आपने बनाई? मैं बता नहीं पाऊँगा ऐसे तो, मैं क्या बताऊँ आपको, वैसे काफ़ी हैं, अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले जो मेरी जो प्रोग्रेस मुझे लगा कि हमारे जो गुरुजी ने बनाया था कभी मदर टेरेसा, तो उसे मैंने चलो भाई मैं भी ट्राई करता हूँ एक बार, तो मैंने भी बनाया, आप देख सकते हो सामने लगा हुआ है। तो वैसे कितने लोग आ जाते हैं ये स्केच बनवाने के लिए? लगभग आ जाते हैं 5-7 आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं, बोनी बट्टा हो जाता है, अपना काम चलता है ठीक ठाक। अच्छा, तो दर्शकों को आप बताइए कि आप ये प्रगति मैदान के ठीक सामने, पुराना किला के ठीक सामने आप यहाँ पे बैठे हैं? हाँ, पुराने किले के ठीक सामने बैठा हूँ, साथ में सामने चिड़ियाघर है। जी।
जू जो इस टाइम बंद पड़ा, और लॉकडाउन से बंद हुआ है वो। वैसे यहाँ पे अभी कोई खास पब्लिक नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी खर्चा पानी अपने निकल जाता है, बस इतना है। अच्छा, तो ये आप स्केच के बारे में बताएंगे, आप मतलब कितनी कितना लेते हैं पैसा? इवन नॉर्मल सा रेट है जी, अभी तो 200 लेते हैं लाइव का। अगर फोटो से बनवाएंगे देन 500 है, उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। हाँ जी, तो जैसे कि आपने देखा कि लगभग इन्हें 15 साल यहाँ पर हो चुके हैं, और रोज़ाना 4 से 5 लोग जो हैं शौकीन होते हैं आज के ज़माने में, जो अपना स्केच बनवाना चाहते हैं, अपने आप को रूबरू उसी तरीके से उतरवाना चाहते हैं जैसे वो दिख रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी खूबसूरत जो तस्वीरें हैं, संरचनाएँ हैं, इनके द्वारा बनाई गई हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर आपको भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें बनवानी हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, बनवा सकते हैं, और जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है जिसे एक व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में जो ये कलाकारी है इसकी इतनी इतना इसको तवज्जो नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर विदेशों में बात करें तो ये काफ़ी जो पेंटिंग्स है काफ़ी महंगी बेची जाती हैं और काफ़ी अच्छी मान्यताएँ भी होती हैं इनकी, लेकिन यहाँ पर इतना नहीं देखा जाता, इनकी प्रसिद्धि इतनी नहीं हो पाती है। तो अब ये देख सकते हैं आप कि कितनी खूबसूरत जो इनका हुनर है वो कैसे पन्नों पर उकेर कर हमारे सामने आया हुआ है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो इनका हुनर है वो और आगे तक पहुंच पाए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इनका स्केच कैसे लगा, और कौन सा स्केच आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा वो भी कमेंट में लिख कर बताएँ। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।